अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में देखेंगे हम टेक्स्ट टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट टूल के साथ अगर टेक्स्ट टूल के हमारे पास फॉन्ट कम है तो हम फॉन्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और उन डाउनलोड फॉन्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, टेक्स्ट टूल आपके पास तीन से चार किस्म का है। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अब हॉरिजॉन्टल में दो टाइप्स हैं, एक तो ये है कि हम पैराग्राफ टाइप करें, एक ये है हम स्ट्रेट लाइन टाइप करें। जस्ट लाइक अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ, इसका मतलब मैंने ये स्ट्रेट लाइन टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, माई नेम इज, क्लिक करता रहता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये चलता जाएगा। इसका कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें विड्थ डिफाइन नहीं है कि इतनी विड्थ इतनी हाइट तक रहेगा। अच्छा, सेकेंड वन पैराग्राफ क्या चीज़ है, अगर मैं दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँ, अब मैं बजाय क्लिक करने के मैं कोई एरिया डिफाइन कर दूँ, इस एरिया के अंदर टाइप करना। अब देन मैं कुछ भी टाइप करूँगा यहाँ पे, लेट्स सो रैंडम कुछ भी टाइप कर देता हूँ, तो ये एरिया डिफाइन है, मतलब ऑलमोस्ट इस एरिया से आगे नहीं जाएगा, ये बॉर्डर इसके पास है। जितना बॉर्डर बढ़ा देंगे ये टैक्स आगे आ जाएगा, मतलब हमारे पास अब स्पेसिफिक एरिया हो चुका है उसके अंदर टाइप होगा, अदरवाइज उससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहली क्वेश्चन ये है कि दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन टैक्स, एक होता है आपका पैराग्राफ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंगल लाइन टैक्स लिखना चाहते हैं या आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं मल्टी लाइन्स। मल्टी लाइन के लिए आपको ड्रैग करना पड़ेगा, सिंगल लाइन के लिए जस्ट क्लिक करना पड़ेगा। ओके, नंबर वन। अब थोड़ी देर बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग के लिए क्या है, आप टाइप क्लिक किया, जस्ट आप क्लिक किया, अब कुछ भी टाइप चाहते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप टाइपिंग से पहले ही ऊपर ऑप्शन बार में सेट कर लें कि आपने पास मतलब आप फॉन्ट कौन सा होगा, साइज क्या होगा, बोल्ड है, इटैलिक है, कुछ भी, या आप अगर टाइप करने के बाद चाहते हैं, मैं टाइप किया, अब मैंने कोई चेंजिंग करनी है फॉन्ट वगैरह की, तो अब मुझे सिलेक्शन रिक्वायर्ड होगी। सिलेक्शन करने के बाद देन आप इसमें फॉन्ट चेंज करता हूँ, ये फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, हम इसको बोल्ड करते हैं या अब डिपेंड करता है जो फॉन्ट चूज किया उस फॉन्ट के अंदर बोल्ड इटैलिक ऑप्शन है या नहीं है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कैलिब्री चूज कर लेता हूँ, अब कैलिब्री के अंदर सारी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, इटैलिक भी, बोल्ड भी, हर चीज। बहुत से फॉन्ट हैं जो मैंने खुद डाउनलोड किए हुए हैं, उनके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगी। ओके, फर्दर बात करते हैं ये साइज की। अब साइज 72 तक डिफाइन है, अगर 72 से बड़ा साइज करना है तो यहाँ पर खुद आप टाइप कर लें, मैं 200 लेके एंटर प्रेस करते हैं, 200 हो गया साइज, और ये पिक्सल में होगा पीटी। उसके बाद ये आपका जो स्टाइल है ये स्मूथ होगा, शार्प होगा, ये इसके जब आप डिफरेंट स्टाइल यूज करेंगे देन आप इसका आइडिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट, टेक्स्ट टूल तब तक काम करेगा जब तक आपके पास टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड होगा, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग तब आएंगी जब आपके पास टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड होगा, और इसको क्लिक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कोशिश लिखता हूँ। नंबर वन, हमारे पास ये दोनों वर्डिंग बिल्कुल क्लैप्स मतलब ऊपर नीचे आ रही हैं, उसकी वजह क्या है कि मेरे पास इनके दरमियान की स्पेसिंग बहुत कम है। चल इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी ये पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, पैराग्राफ हम बात बात करते हैं, अभी हम जस्ट टेक्स्ट पे रहते हैं। ओके, टेक्स्ट लिखा गया, हम मूव टूल पे गए, अब मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इसका वैसे ही साइज बड़ा करना है तो जिस तरह फोटोशॉप में साइज छोटा बड़ा होता है तो उसकी कमांड कंट्रोल टी है। फर्दर नेक्स्ट काम करते हैं कि अगर मुझे इसी फॉन्ट इसको डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब एक तो ये है कि आपके अपनी विंडो के अंदर ही बहुत से फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक दिस, लेकिन बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमने इनके अलावा कोई फॉन्ट डाउनलोड करने हैं, कोई स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड करने हैं तो कैसे करेंगे। उसका सिंपल तरीका होगा, आप गूगल खोल लें,
जब गूगल खुल जाए, गूगल के अंदर टाइप करें फोन डाउनलोड, फोन डाउनलोड के दो तीन वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फोन देती हैं आपको। एक दा फोन्ट है, वन थाउजेंड वन फोन्ट है, उसके अलावा उर्दू फोन्ट भी हैं। नंबर वन है डीए फोन्ट। डीए फोन्ट के अंदर पहले कैटेगरी के ऊपर सारी डिफाइन है कि हमें किस कैटेगरी का फॉन्ट चाहिए। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मेरे ब्रश स्टाइल में मैं राइटिंग करनी है, तो ब्रश पे क्लिक करेंगे ये सारे ब्रश के स्टाइल फॉन्ट आ जाएंगे। अब जो फॉन्ट आपके मुताबिक लगता है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप डाउनलोड करने के बाद चेक करें, एक तरीका भी हो सकता है आपने जो टेक्स्ट टाइप करना है आप पहले ऊपर यहाँ टाइप कर चेक कर लें। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कंप्यूटर, अब मुझे हर फॉन्ट कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाएगा कि कंप्यूटर का राइटिंग स्टाइल ऐसा होगा। जस्ट लाइक मुझे, मैं ये अच्छा लग रहा है मैंने इसको डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड, जब भी फॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जिप फॉर्मेट में आएगा। अब जिप फॉर्मेट क्या होता है, जिसके अंदर तीन चार फाइलें इकट्ठी रखी होती हैं। हम नंबर वन जिप फॉन्ट डाउनलोड करते हैं, उसके हम देखेंगे कि हमारे पास फॉन्ट की कौन सी फाइल है, उस फाइल को हम लेके जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल के अंदर, वहाँ पे एक फॉन्ट का फोल्डर होता है उसके अंदर वो पेस्ट करेंगे तो हमारा फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होता, बेसिकली फॉन्ट को हम रखते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर फॉन्ट के फोल्डर के अंदर। बेसिकली ये फॉन्ट का फोल्डर है, इस फोल्डर को हम राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका फोल्डर बन जाएगा, उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर ये फॉन्ट की फाइल पड़ी हुई है TTF। TTF बेसिकली फॉन्ट का फॉर्मेट है, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। इसे कॉपी किया, अब कॉपी करने के बाद हमें करना क्या है, सर्च करें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर एक फोल्डर होता है फॉन्ट्स का, उस फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर हमें इस TTF फाइल को पेस्ट करना है। आप पेस्ट कर लिया, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपना फोटोशॉप क्लोज करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा ताकि फॉन्ट रिफ्रेश हो जाए। इसे क्लोज करते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं। ओके, हम दोबारा अगेन ओपन करते हैं। हमें ये कंफर्म नेम याद होना चाहिए कि हमने किस नाम का फॉन्ट इंस्टॉल किया है। इसका नाम गिंगर्स के नाम समथिंग है, तो हम गिंगर्स जब सर्च करेंगे तो फॉन्ट हमें मिलना चाहिए यहाँ से। मैं दोबारा उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये फाइल, इसको सेलेक्ट किया, अब हम इस फॉन्ट को सर्च करते हैं GI, ये ले किंगर्स फॉन्ट, ये ले। ठीक है, इस तरह आप कोई भी फॉन्ट का स्टाइल नेट से डाउनलोड करें, उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें, उसके बाद उसको हम अपने डिजाइनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है अपने फोन अच्छे से डाउनलोड करके उसको यूज करने का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमने फोन को सर्कल के अंदर रोटेट फॉर्म में लिखना हो। बेसिकली फोन बाय डिफॉल्ट सर्कल रोटेट नहीं हो सकते, उसका मेथड क्या होता है, आपको कोई शेप ड्रा करनी पड़ेगी सर्कल शेप में, उसके इर्द गिर्द हम फोन टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं इस पे सर्कल एक ड्रा करता हूँ, सर्कल के ऊपर हम इसकी स्ट्रोक, बिल्कुल मैं माइन एंड कर देता हूँ, स्ट्रोक के बगैर सर्कल लगाते हैं, और इसका फिल कलर भी हम नो कलर लगा देते हैं। स्ट्रोक में थोड़ा सा लिटर पेंट लगा देता हूँ ताकि आइडिया होता रहे कि मैं सर्कल लगा हुआ है। ओके, अब मैं टेक्स्ट टूल लेके आता हूँ। अब बेसिकली करना क्या होगा, हमें हमें टेक्स्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे आना पड़ेगा। हर शेप के साथ एक पाथ डिफाइन होता है, आप उस पाथ के इर्द गिर्द हम टाइटिंग कर सकते हैं।
हम पाथ को ड्रा भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें अगर कर्व शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना हो तो हमें पाथ ड्रा करना पड़ेगा कि आप कर्व शेप में टाइट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली अब जो राइटिंग हुई है ये आपकी राउंड शेप में हुई है। अब इसका कलर चेंज करें, फॉन्ट चेंज करें, स्टाइल करें, कुछ भी करें, वो आपकी अपनी मर्जी। तो ये राइटिंग मेथड होते हैं कि स्ट्रेट लाइन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, या किसी भी शेप के इर्द गिर्द राइट करने के लिए कैसे यूज कर राइट कर सकते हैं।